सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? और अभी सुबह के बजे हैं 8:30। तो अभी जस्ट मैं अभी उठी, और जो कि अभी मुझे करना है ब्रेकफास्ट। और मैं आप सबको बता दूं, हैप्पी शिवरात्रि। आज है शिवरात्रि, और सोचा था कि आज मंदिर जाऊंगी, पता नहीं क्या होता है, जा भी सकती हूँ नहीं भी, 5 नंबर में। और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, वो चलेंगे 2 बजे चलेंगे, क्योंकि वो जाएंगे मेला, झाड़ी मंदिर के मेले में। बट मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो जंगल एरिया है, तो फिर मुझे भेजेंगे नहीं, लेके नहीं जाएंगे। तो काफ़ी मतलब अजीबोगरीब जगह है, मतलब जंगल के अंदर मेला होता है, तो इस वजह से वो मुझे लेके नहीं जाएंगे। और यहाँ देखो, अभी तक मैंने बिस्तर भी सही नहीं किया, अभी करूँगी खाना और ब्रेकफास्ट करके उसके बाद करूँगी मैं साफ़ सफाई। तो चलो पहले काम कर लेते हैं। तो सुबह का पहला, जो कि लाइट जलाया और ये दरवाज़ा सुबह पहला खुला मेरे हाथों से, क्योंकि हस्बैंड खोल के नहीं गए थे। 6 बजे कौन खोलेगा जब अंधेरा टाइप का रहता है। तो देखो, अभी खोला है मैंने दरवाज़ा, और अभी मैं बनाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बनेगा रोटी। कल रात को मैंने बना रोटी, आटा गूंद के रखा था, और फटाफट से मैं ना इधर बना लेती हूँ अपना रोटी। और दूसरी साइड मैंने दिया है चाय बनाने के लिए, और बीच में रखा है घी। और हस्बैंड को मैंने बोला था कि ना गाय वाला घी लाना, पता नहीं कौन सा वाला घी लेके आए, मतलब जो भैंस होता है ना वो वाला लेके आए। बट कोई ना, मैं खा भैंस वाला और गाय वाला दोनों ही खा लेती हूँ, और दूध भी पी लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मैं ट्राई करूँगी इस बार गाय का लाने के लिए। भैंस वाले में क्या होता है ना कि उसमें ना टेस्ट ना अच्छा आता नहीं है, गाय वाले में काफ़ी अच्छा, मतलब एक स्मेल भी आता है और अच्छा भी लगता है खाने में। ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे पूजा करना है, और मैं सोच रही हूँ आज जो कि मंदिर जाऊँगी, बट नहीं जा पाऊँगी क्योंकि आज का दिन सही नहीं है। मतलब शिवरात्रि है तो अच्छा दिन है, लेकिन ना मतलब एक तिथि होता है वो सही नहीं है, अमावस्या पूर्णिमा टाइप का है, तो आज मैं निकलूँगी नहीं बाहर। तो आज बनाऊँगी दाल। तो यहाँ पे देखो, मैंने मूली काटा है, प्याज को काट रही हूँ अभी, लहसुन को भी काट लूँगी। और आज जो कि मुझे ना करेला का सब्जी खाना है, बहुत टाइम से खाया नहीं है, और इस सीज़न का पहला करेला। वैसे मैंने खाया है सीज़न का पहला करेला मायके में खाया है, बट इस सीज़न का सेकंड वाला ससुराल में खाऊंगी। तो देखते हैं कैसा लगता है, करेला तो करेला ही लगता है, कड़वा ही लगता है, कोई टेस्ट है नहीं। पहले मैं बिल्कुल भी खा नहीं पाती थी, पर शादी के बाद ना थोड़ा गेटअप चेंज हो गया मेरा, तो अभी खाना पड़ता है। और मुझे ना अभी फ़िश का जो सर होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं खा पाती मैं, वो भी मुझे सीखना है खाना। मुझे मतलब इच्छा है कि मैं माछेर माथा खाऊं, बट मुझे आता नहीं है खाना। मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छे से आता है, वो मतलब चाव से खाते हैं, उनको फेवरेट है फिश, मतलब माछेर माथा। मुझे नहीं आता है बिल्कुल भी खाना, तो सीखना पड़ेगा मुझे उनसे। अभी आप लोग सोचो कि खाने के लिए भी मुझे सीखना पड़ेगा, तो कितनी मैं मतलब बेकार हूँ, कोई काम की नहीं हूँ। तो देखो, यहाँ पे जो कि मैंने सब्जियों को धो लिया है, और अभी लगे हाथों चावल को भी धो दूँगी। और आज ना मैंने धोया है सर, क्योंकि आज मतलब शिवरात्रि है, तो पूजा पूजा वाला दिन है। भले ही मैं कहीं पे ना जाऊँ, घर पे पूजा करूँगी, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस वजह से ना मैंने सर धोया, क्योंकि कल फिर मैंने तेल भी लगाया था सर में, तो चिपचिपा सा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने सर भी धो दिया। मैंने सोचा था कि 5 नंबर जाऊंगी, बट नहीं जा पाऊंगी, मुझे मतलब मेरी सास ने आके मना कर दिया कि कहीं मत जाना, आज दिन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, धनिया पत्ते को भी धो के काट लूँगी मैं, और उसके बाद मैं मतलब अभी तक मैंने चावल चढ़ाया नहीं है, और आज कल में ना मेरा टैंकी भी लग जाएगा, देखते हैं, क्योंकि तकलीफ़ होता है काफ़ी ये पाइप लगा लगा के काम करना, तो आजकल मैं टैंकी भी लग जाएगा। क्योंकि शिवरात्रि है तो दाल पका रही हूँ, मम्मी अभी जस्ट अभी सब्जी देके गई है, और मैं अभी खा रही हूँ रोटी एंड जैम। सुबह 3 बनाया था, उसके बाद मैं सोचा कि चलो एक रख देती हूँ। और ये कुछ कपड़े हैं जो कि तय लगाने हैं, मुझे भी तय लगा के रखने हैं, हस्बैंड अभी आ जाएंगे, उनको
उनके आने से पहले सारा काम समेट लेना है, नहीं तो वो आएंगे ना तो और भी कचरा हो जाएगा। ये कल को सुखाया था और यह आज सुबह बनाया मेरे को। और कल जो कि मैंने पापड़ बनाया था, जो फर्स्ट वाला पापड़ था हम दोनों ने कल ही फिनिश कर दिया, तो चलो इनको पहले ना चाय लगा लेते हैं। और अभी ना मैंने कल इन कपड़ों को धोया था, तो फिर ना कल रात को ही मैंने ना मतलब इसको कुछ कुछ कपड़े ना तय लगा के रखे थे, नीचे रखा था, कल ना सही नहीं लग रहा था सीरियसली तबीयत, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो कल सोचा था कि मैं मंदिर जाऊंगी इस वजह से तय लगा ही देती हूँ, बट फिर ना दिमाग में क्या आया कि सोच रही थी कि चलो कोई ना सुबह ही लगा लूँगी, बट हो नहीं पाया। और अभी सीधे दोपहर के टाइम में ये काम कर रही हूँ, बताए ये कपड़े जो कि समेटना, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था और धूप इतनी अच्छी आई थी ना, तो फिर धूप में बैठने का भी मन कर रहा था। तो यहाँ पे देखो अभी ना मैं सारे कपड़ों को अच्छे तरीके से समेट लूँगी, तय लगा लूँगी, उनका ड्रेस अलग मेरा ड्रेस अलग होगा। और अभी तो गर्मी आ ही गई है, तो कुछ कुछ मतलब ठंड के कपड़े ना बेड के नीचे रखने हैं मुझे, अभी जगह चाहिए ना, स्पेस की बहुत ज़रूरत है मुझे, तो स्पेस बनाना है, क्योंकि अभी गर्मी के कपड़े भी निकालने हैं मुझे। जस्ट आया था मेरे पास फ्लिपकार्ट वालों के पास से फ़ोन, मेरे हस्बैंड ने एक ये मंगवाया, तो मतलब ये ना एक राइट वाला ना काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ना इसको रिटर्न करवाना है, तो अभी मतलब रिप्लेसमेंट के बारे में बोला था बट रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, बट अभी जो कि रिफ़ंड होगा तो रिफ़ंड के लिए बोला है मैंने, तो देखते हैं कब तक आता है कि 3 मार्च को आ जाएगा। और यहाँ जो कि अभी मेरा दाल पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है, थोड़ा खोल के देखती हूँ, तो यहाँ तक पहुँचा है दाल, और अभी इसके अंदर डालूँगी अभी धनिया पत्ता। दाल तो हो चुका है और अभी इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा घी, घी डालूंगी मैं अभी, घी डाल आ गया शुद्ध देसी घी। घी देने के बाद ना ऑसम लगता है, ऑसम। देखो ये सारे मैंने बनाए हैं, उस दिन ये वाला बनाया और कल जो कि ना परसों जो कि इसको कंप्लीट किया मैंने, अभी और एक बन रहा है, अभी बना रही हूँ बैठ बैठ के। तो दाल तो बन ही गया मोस्टली।